हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नौशाद खान और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक वीडियो, जोरदार वीडियो जो कि था इंग्लिश के ऊपर। तो दोस्तों, आज इंग्लिश के ऊपर कुछ इस तरीके से मसला था बात करने का कि हमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं कहाँ आती हैं इंग्लिश में, और अगर वो आती हैं तो वो हमें कब नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत से बात करते हैं कि हमें समझना क्या है और इसमें सीखना क्या था। देखिए, हमें इसमें सीखना क्या होता है, एक्चुअली में सीखना कुछ नहीं है, हमें तीन तरह की चीज़ें सीख ली होती है, ठीक है। अगर आपको सबसे सिंपल इंग्लिश आपको अगर सीखनी है तो वो ये है कि अगर आप चाहते हो तो बस कुछ कुछ शब्द आप सीख लो और उसके बाद आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। यकीन नहीं आता? नहीं आता यकीन? थोड़ी देर में आ जाएगा, वीडियो देखते देखते। चलो, तो हम बात करते थे तीन चीजों के बारे में जो मैंने बोला था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। देखिए, जो प्रेजेंट टेंस है उसमें प्रेजेंट टेंस में क्या बात है, प्रेजेंट टेंस में हमें सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना होता है। अगर हम सीख रहे ग्रामर, तो देखिए ग्रामर के लिए थोड़े से रूल्स अलग है, मतलब उसमें हमें कुछ नहीं देखना, उसमें हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि कहाँ पर एस लग रहा है, कहाँ पर ई एस लग रहा है, कहाँ पर आई एन जी लग रहा है, कहाँ पर इज लग रहा है, कहाँ एम आर लग रहा है, कहाँ पर डू लग रहा है, कहाँ पर डस लग रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ देखना होता है ग्रामर में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं फिलहाल में, अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो डजंट मैटर, मतलब फिर तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं रखता तुम उसमें एस लगा रहे हो, ई एस लगा रहे हो। पहले स्टार्ट करो बोलना, फिर धीरे धीरे बोलते बोलते थोड़ा 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 मतलब स्टार्ट हो जाओगे। तो लाइक दिस ग्रामर, उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीख रहे थे ग्रामर, जो बच्चे ग्रामर सीख रहे हैं उनके लिए प्रेजेंट टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रेजेंट में सबसे पहले हम सिंपल टेंसों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि एस और ई एस, एस और ई एस में क्या होता है और ये कहाँ पर लगता है। सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा किसके साथ में एस और एस लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे हिंदी के शब्दों में किस तरीके से हमारे हिंदी के शब्दों में क्या क्या होते हैं, पहले बताओ। मैं, तुम, हम, मतलब ये जो सर्वनाम होते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो प्रोनाउन होते हैं, और इसे बोलते हैं सब्जेक्ट भी बोलते हैं। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है ये भी नहीं पता, चलो मैं सब्जेक्ट बताता हूँ। पहले एक लाइन ले लेते हैं, एक्चुअली ऐसे करते हैं, पहले मैंने एक सेंटेंस बोला कि सबसे आसान सेंटेंस, दुनिया का सबसे आसान सेंटेंस, मैं जाता हूँ, सबसे आसान सेंटेंस। तो देखिए, जो मैं हूँ ना वो सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब किसके ऊपर बात चल रही है, जिसके ऊपर बात चल रही हो बस उसे ही सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। वो कोई नाम भी हो सकता है, जैसे अगर आप लोगों ने पहले सीख रखा होगा, जैसे सीख रखा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। बट अगर आपने नहीं सीख रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुंचे, मैं, हम, तुम और वे, वह। देखिए हिंदी में क्या होता है, एक्चुअली मैं बताऊँ, ये जो वह का शब्द होता है ना, हम हिंदी में इस्तेमाल ही नहीं करते। आपने कभी सुना नहीं होगा कि वह जा रहा है, सुना ही नहीं होगा, ये वह जाता है, सुना ही नहीं होगा। क्या तो कहते हैं, वो जा रहा है, वो जाता है, हम बोलते हैं। बाकी हम बोल सकते हैं इंग्लिश में से, खाली बोल जाता है वो, ठीक है। चलो कैसे बोलते हैं देखते हैं। अगर हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस किन सेंटेंस में बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हम बोलते हैं ऐसे सेंटेंस को जिसमें नहीं नहीं आता, किसी भी बात में नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा ही नहीं, नॉट की बात ही नहीं होगी। नहीं का मतलब नॉट होता है और नो भी होता है। नो को अलग जगह यूज करते हैं, नॉट को अलग जगह यूज करते हैं, ये भी बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो क्या क्या समझ में आया, सिंपल में क्या होता है, नहीं की बात नहीं होगी। दूसरी बात, उसमें क्या की बात नहीं होगी, क्या शुरू में नहीं लगेगा, जहाँ क्या शुरू में लग जाता है वहां बन जाता है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या मैं जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाए, ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें क्या लग जाता है शुरू में, क्वेश्चन बन जाता है। अब देखो नहीं वाले में नेगेटिव बन जाता है, वो कैसे बनता है, अब मैं सिंपल की मेंशन करना चाह रहा हूँ आपको। मैं बोलता हूँ मैं नहीं जाता, ठीक है, हूँ, मैं नहीं जाता हूँ,
तो इसमें नहीं की बात आ रही है, तो ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू एच क्या होता है, विद फैमिली वाले सेंटेंस भी मतलब बोले जाते हैं। इसमें बात होती है कब, कहाँ, कैसे, क्यों और इस तरीके से, मतलब बीच बीच में शब्द आते हैं, और इसमें क्या का शब्द आएगा तो वो सेंटेंस जो हम बोल रहे होंगे उसके बीच में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी देखो एक बात मैं ये तो बोलता हूँ कि क्या मैं जाता हूँ, है ना, तो इसमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मगर अगर मैं कहता हूँ कि मैं कब जाता हूँ, ये भी क्वेश्चन हो गया, मगर इसमें कब आ रहा है, तो जो कब आ रहा है तो ये डब्ल्यू एच का हो गया, कब, वैन, ठीक है। जो वैन है वो शुरू में आ जाएगा, ठीक है, वो सुबह मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल वाले वाक्य में समझ में आ गए, तो सिंपल वाले वाक्य वो होते हैं जिनमें ये शब्द नहीं आते, जैसे मान लो नहीं वाले वाक्य नहीं आ रही, क्या वाले वाक्य नहीं आएंगे, कब, कहाँ, क्यों, ऐसे वाक्य नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा सिंपल वाक्य कैसे आएंगे, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर बहुत से बच्चे, बहुत से बड़े भी प्रॉब्लम भी आती है, वो आईएनजी का यूज करने लगते हैं। जैसे मैंने बोला मैं जाता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग, है ना, तुम जाते हो, यू यू कमिंग, ठीक है, यू आर कमिंग। तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यहाँ पर ना तो इज लगेगा, ना एम लगेगा, ना आर लगेगा, ना ही यहाँ पर आईएनजी लगेगा, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमें प्रॉब्लम क्या है कि ग्रामर वालों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, बोलने वालों के लिए नहीं है, जो बोल रहा है बोलो, ठीक है। बट जहाँ पर हमें दिखाना पड़े पेपरों में तो वहाँ हमें ये चीज दिखानी पड़ेगी। जैसे मान लो इसमें हमें क्या लगाना है, सिंपल में जब हमें, मैंने आपको बताया आई एन जी नहीं लगानी है और इज एम आर नहीं लगाना, तो क्या लगाना है सर आप ये बताइए। तो आपको लगाना है यहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग करना है वर्ब। अच्छा सर हमें वर्ब भी नहीं पता वर्ब क्या होती है, आपने हमें सब्जेक्ट तो बता दिया, शुरुआत में इसका नाम होता है वो सब्जेक्ट होता है, बट आपने वर्ब तो बताया नहीं। चलो मैं दोस्तों मैं आपको वर्ब भी बताता हूँ मेरे भाइयों। वर्ब एक क्रिया होती है, एक काम होता है, एक जो काम किसी के द्वारा या हमारे द्वारा या हमारे से करा गया हो तो उसे हम वर्ब बोलते हैं। तो जो जैसे हम समझ सकते हैं एक्शन बोलते हैं, एक्शन मीन्स मान लो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, तो बनाता हूँ तो बनाना, तो बनाना क्रिएट करना तो क्या हो गया बताइए क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं खाना बनाता हूँ, ये बनाना खाना नहीं, ये तो खाना हो गया, ठीक है, एक बनाना हो गया, उस बनाने को काम देंगे। अब जब मैं खा रहा हूँ तो उसे चबा रहे हैं, तो चबाने को हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। अब जैसे मान लो मैं देखता हूँ, तो देखना क्या होता है कि एक काम हो रहा है, देखना, सुनना ये भी काम है। अच्छा एक आसान पहचान बता देता हूँ इसकी वर्ब की, वीई आर वी वर्ब की एक आसान पहचान ये, उनके हिंदी के शब्दों में लास्ट में ना जरूर लगेगा। कैसे ना लगेगा, जैसे मान लो चलना, चलना क्या होता है, काम है चलना, खाना, खाना भी काम है, घूमना, घूमना भी काम है, फिरना, फिरना भी काम है, और फिरना मतलब वही घूमना फिरना, दौड़ना, ठीक है, चलना, नहाना, कंप्यूटर चलाना, साइकिल चलाना, तो जो भी सारे काम होंगे ना उसमें लास्ट में ना जरूर आएगा, वही हमारी असल पहचान ये है कि वर्ब है। अब जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ कि वही सबसे आसान सेंटेंस हो जाएगा कि मैं जाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि वर्ब तो हमें समझ में आता है, वर्ब क्या है, जाना, ये नहीं बताया कहाँ जाना, बस जाना। अगर हम जाते हैं तो उसे हम वो बोलते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अगर मैंने बोला मैं जाता हूँ तो आई गो, तुम जाते हो यू गो, हम जाते हैं वी गो, ठीक है, आसान है यहाँ तक सुन में। अच्छा तो सर इसमें एस और एस कहाँ गया, आपने ये तो हमें बिल्कुल नहीं बताया, आपने एस और एस के बारे में जरा से भी नहीं बताया, मतलब आप कहते हैं एस लगेगा, इस लगेगा, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ जरा बता। देखिए इसमें एस और एस कहाँ नहीं लगता, पहले ये जानेंगे, और कहाँ लगता है पहले ये जानेंगे। देखिए कहाँ लगता है ये बताऊँ या कहाँ नहीं लगता, पहले नहीं वाला बताऊँ, ठीक है, नहीं वाला समझो, नहीं वाला कहाँ लगता, नहीं वाला नहीं लगेगा आई, यानी मैं अपनी बात करूंगा कभी तो उसमें मैं वर्ब में एस और एस नहीं लगाऊंगा, यानी आई गो, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, खाना भी काम है, तो आई ईट, बस ईट, नॉट ईट,
आई एम नॉट, मतलब इसके साथ में ना एम लगेगा ना कुछ लगेगा, बट डायरेक्ट सेंटेंस है और बना दो, कितना आसान है, बहुत आसान है। अच्छा एक चीज हो जाएगी इसमें, अगर कोई नाम होगा सपोज दैट इसमें किसी का नाम है, मान लीजिए नाम है, मैं अपने नाम ले लेता हूँ, ठीक है मैं अपने नाम ले लेता हूँ, कोई सा भी नाम ले लेता हूँ, चलो मैं किसी का भी नाम ले लेता हूँ, मतलब मैंने रिया नाम ले लिया, ठीक है रिया खाती है, तो इसके नाम के आगे अगर रिया दो है, रिया और सीता ये दो जने हैं, अगर ये खाना खाती है तो इसमें एस और ई एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर एक जना खाना खाता है तो बिल्कुल करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि रिया खाती है, सिर्फ रिया खाती है, खाना नहीं खा रही अभी, तो खाएगी तो इससे आगे ऑब्जेक्ट बताऊंगा इस क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है रिया खाती है तो रिया हीट, जरूर लगाना हीट। अगर मैंने बोला रिया और रोहन दोनों खाते हैं, रिया एंड रोहन हीट, अब यहाँ पर एस और एस का प्रयोग बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने बोला वे खाते हैं, यानी इससे हम मतलब बहुत सारे लोग हैं और खा रहे हैं, तो अगर हम बोलते हैं वे खाते हैं तो बोलूंगा दे, है ना, दे आर, आर का यूज हम यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है दे हीट, ठीक है यहाँ एस और एस का प्रयोग नहीं करेंगे, चलो ये भी समझ में आई। अच्छा उसके बाद में अब इसके साथ में हम और करते हैं, मान लो ही के साथ में करेंगे, ही क्या होता है एच ई ही, ही माने होता है वह, ये लगता है लड़कों के लिए, और दूसरा होता है एस एच ई शी, शी होता है वह, ये किसके लिए होता है बताइए, किसके लिए होता है लड़कियों के लिए होता है, मतलब दोनों इंसान है ना इंसानों के लिए होता है, ठीक है तो लड़की के लिए शी और लड़के के लिए ही, ठीक है ये दो चीजें हैं, इन दोनों के लिए वह होता है। जब हम इन दोनों वह को किसी के साथ में प्रयोग करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि वह खाती है, वह नहाती है, वह नहाता है, वह दौड़ता है, वह चलता है, ठीक है ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे कैसे बोलेंगे। अब जहाँ ही लगेगा वहाँ एस और ई एस का प्रयोग जरूर होगा, जहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग जरूर होगा, कैसे, जैसे मैंने बोला शी वह चलती है, शी वॉक्स, एस लग गया, वो वह खाती है, वह खाती है कैसे बोलेंगे, बोलिए बताइए कैसे बोलेंगे, आप बताइए, वह खाती है शी ईट हो गया, वह दौड़ती है शी रन हो गया ना, इसमें एस और एस लग रहा है, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, दो चीजें हो गई जिसके साथ में लगेगा ही शी, ठीक है। तीसरा होता है इट, जिसके साथ में एस और एस का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है एस और एस का, किसके साथ में, बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल ठीक, आप जीत चुके हैं 180,000 रुपए माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये बहुत ही बढ़िया लगे, अगर से आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो मैं आपको अगला बताता हूँ इसके बारे में, इट के साथ में लगेंगे, मैंने बोला कि और कोई वर्ब देखो, कोई बढ़िया सी वर्ब हो, जैसे मान लो बोलना, ठीक है मैंने बोला ये बोलता है, ये बोलता है, ठीक है तो बोलूंगा मैं इट स्पीक, ठीक है ये कहता है, ये कहता है, ठीक है तो कहने बोलेंगे, ये को बोलेंगे इट, है ना, और कहने को बोलेंगे क्या से, इट से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस और एस का प्रयोग आपने नहीं करा, मैं कह रहा हूँ करो इट से, ठीक है इट स्पीक, तो ये चीज हमें माइंड में रखनी है, कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस नहीं करना, ठीक है ना। तो हमें आई यू वी दे और दो वचन के नाम, दो किसी के किसी के नाम आ रहे हैं उनके साथ में एस और एस नहीं लगाना, किनके साथ में लगाना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद में अगला है, अगला देखिए, अगला और भी आसान है, अभी मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, सबसे पहले ऊपर ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है मतलब बोला था परसेंट से थोड़ा सा नीचे, परसेंट से थोड़ा सा नीचे आओ, वेरी गुड। सिंपल, सिंपल में मैंने फॉर्मूला बताया आपको, फॉर्मूला था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बताया मैंने, सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी नाउन वगैरह सारी चीजें बताई थी मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद में क्या था, इसके बाद में आओ तो वर्क पे, वर्क पे आ गए हम, दूसरी हमारी कंप्लीट हो गई, चलो तीसरे पे आते हैं। वर्क के बाद आता है, देखिए पहले ना मेरे को और भी बताना था, वो थोड़ा सा आगे बताऊंगा, हेल्पिंग वर्क के बारे में बताऊंगा, मगर अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है ना। तो अभी हम मेरे को बताना था, वर्क हो गया कम्प्लीट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, असल में ऑब्जेक्ट होती है निर्जीव चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट। अब मैंने मान लो मेरे पास ये मेरा सेल फोन है, ठीक है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें जान नहीं है, जान है नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ये सेलो टेप या टेप, ठीक है तो इसमें जान है नहीं है। अगर मान लो ये मेरे पास है एक आटे का तसला, इसमें जान है नहीं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है।
मैं एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, रोटी बनाते बनाते मैंने सोचा वीडियो बना दूंगा, ठीक है चलो तो फिर माइंड मत करना, है ना। और जो देखो ऑब्जेक्ट चीजें जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं, जैसे डोर हो गया एंड फैन हो गया, ये सारी चीजें क्या है ऑब्जेक्ट है जिनमें जान नहीं है, सब ऑब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। याद रहेगा बुक हो गया, टेबल हो गई, और ये लगता कहाँ है, लगता देखो सेंटेंस में, ये भी बता रहा हूँ, ये मैं अपने घर से लेके गया, मैं अपने पास से बता रहा हूँ, नहीं जैसे मैंने बोला मान लो कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल, आई लग गया, एस नहीं लगाया मैंने। अगर मैं बोलता वह स्कूल जाता है तो कैसे लगाते इसे, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर तुम इसे अच्छा इसके बाद देखो स्कूल जो है, बताओ क्या है स्कूल, स्कूल आप बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल, आप बताओ, मैं आपसे नाराज हूँ, बताओ आप, अब कुछ बोल ही दे रहे हो, मैं ही बोल रहा हूँ, फिर बैठे बैठे स्कूल है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक, जाना काम क्या हो रहा है इसमें, जाने का, कौन जा रहा है, वह जा रहा है, वह कौन है, वह सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, आप बताओ वर्ब क्या है, हाँ वर्ब, बिल्कुल ठीक, वर्ब काम है, जो काम सेंटेंस के अंदर हो रहा है वह काम वर्ब कहलाता है, उससे पहले जो है सब्जेक्ट वो उसका नाम बताता है, तीसरा आता है हमारा वर्ब काम कहलाता है, चौथा आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है तो ये चीज, स्कूल हो, टेबल हो, डोर हो, खाने के बाद फूड हो, फूड भी ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ ये यहाँ तक समझ में आपके अगर आया तो भाई मैं सच बता रहा हूँ दिल से मैं पढ़ा खुश हूँ, अगर यहाँ तक मेरी बात आपने समझा मिले, इतनी लंबी बात करके मैंने बताई, बहुत ही इजी करके बताया, तो मुझे लगता है कि भाई इस टॉपिक से बेहतर कोई टॉपिक नहीं है, तो मतलब समझाने के लिए तो मैंने ये सोचा था अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर मेरे दोस्तों उन बच्चों को जरूर कर देना जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं ऐसे जिनके नहीं पता, और जो बच्चे डायरेक्ट अगर इंग्लिश बोल रहे हैं भाई वाओ, उससे मैं अगर उनसे बेस्ट कोई नहीं, ठीक है, मगर नंबर के चाहिए अगर स्कूल में हमें चाहिए तो वो हमें ना इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा भाई, इससे आगे बढ़ोगे ये बस सोचते हैं डायरेक्ट कर दो डायरेक्ट करने को डायरेक्ट कर दो, हाँ बिल्कुल ना नंबर लड़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी दोबारा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाते रहें, और अगली वीडियो भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे नेगेटिव पर, नेगेटिव पर देखो मैंने सिंपल सा आपका इतना बड़ा कर दिया, ये वीडियो इतनी बड़ी कर दी, इतनी बड़ी वजह होने की चाहिए, अब मैं आपको नेगेटिव की करके बताऊंगा तो आपको बहुत ही बताने वाला नेगेटिव में नेगेटिव में नहीं बात होती है, सारी सारी चीज़ें बता दिया है उसमें क्या लगता है उसमें ऐसे इतने लगता है लगता है मगर टू डिस्कस कर सकता है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो बने रहे हमारे साथ मेरे दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।